आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने थी, जहां आपको बता दें राजस्थान रॉयल्स ने इस रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच में 187 रन बनाए, जवाब में राजस्थान रॉयल्स टीम ने 19.4 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। राजस्थान के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उसके बाद देवदत्त पदिकल ने मैच में अर्धशतक लगाए। शिमरन हेटमायर ने भी आज शानदार प्रदर्शन किया, जांत में ध्रुव जुरेल ने छक्का लगाकर टीम को इस मैच में जीत दिला दी। पंजाब के लिए सैम करन ने नाबाद 49 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं राजस्थान टीम के लिए नवदीप सैनी ने आज मैच में 3 विकेट झटके। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान के साथ 187 रन बनाए। इस दौरान सैम करन ने नाबाद 49 रनों की अच्छी पारी खेली। उन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए मैच में 4 चौके और 2 छक्के लगाए, तो वहीं मध्यक्रम में जितेश शर्मा ने 28 गेंदों में 44 रन, उन्होंने भी 3 चौके और मैच में 3 छक्के लगाए और उनको साथ मिला शाहरुख खान का, जिन्होंने 23 गेंदों में 41 रन बना दिए। जहां इससे पहले लिविंगस्टोन 9 रन और अथर्व थाइडे 19 रन बना करके आउट हो गए थे, वहीं कप्तान शिखर धवन ने आज 17 रन ही बनाए, तो सलामी बल्लेबाज रवसिमरन सिंह 2 रन बना करके आउट हो गए। पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए नवदीप सैनी ने मैच में 3 विकेट झटके। उन्होंने आपको बता दें कि 4 ओवरों में 40 रन दे दिए। वहीं ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट लिया, एडम जैम्पा ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिया और संदीप शर्मा ने 4 ओवर में आज 46 रन खर्च कर दिए। तारीफ करनी होगी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों की, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी, खास तौर पर यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पदिकल की, जिनकी पारियों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स इस स्कोर के नजदीक पहुंच पाए। और उसके बाद अंत में ध्रुव जुरेल, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, उन्होंने 4 गेंदों में 10 रन बनाकर के राजस्थान रॉयल्स को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से इस मुकाबले में जीत दिला दी है। आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल अब और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, जहां राजस्थान रॉयल्स इस मैच को जीतने के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गई है। 14 में से उसके 7 में जीत है, 7 में हार है और 14 अंक अब उनके पास हो गए हैं, जहां अब उनको बाकी टीमों के निर्णय पर निर्भर रहना होगा। और टॉप 4 में क्या ये टीम क्वालिफाई करेगी, अभी भी ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।